first I show you the program that I have created. We make you understand again. So first of all, we design the R lead form. Okay. So in this R lead form, we give form action. Form, we give a form. In form, we have to pass a value: year, season, and title. Okay. So three value we have to pass: year, season, and title. Okay, wait a minute. And this value is evaluated where? It is evaluated in a R lead servlet. Okay. In R lead servlet, it is a servlet. मतलब मैं जो भी data ये form में दूंगा ये सारा इंफॉर्मेशन वैलिडेट होगा कहां पर? ना कंट्रोलर पर. तो फॉर्म में क्या क्या डाटा है ना, यहां पर आपका क्या है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, सीजन और एक टाइटल. सीजन क्या है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट. सो आई रन द फाइल, देन यू हैव आइडिया ऑन दैट. तो दिस इज ए फॉर्म, हियर वी पास द वैल्यू. यहां पर हम वैल्यू पास करेंगे. अगर जो भी वैल्यू हम यहां पर पास करेंगे अगर वो करेक्ट है तो वो हमें सक्सेस पेज में ले जाएगा, अगर वो इनकरेक्ट है तो मुझे वो एरर पेज में ले जाएगा. ओके. तो फॉर्म में पहले क्या होता है ना, हम इनपुट देते हैं, जो भी इनपुट हम देंगे वो वैलिडेट होगा. अगर मेरा वैल्यू करेक्ट है सक्सेस पेज में जाएगा, इनकरेक्ट है तो एरर पेज में चला जाएगा. तो यहां पर मैंने पास किया है क्या ना, फॉर्म एक्शन आर लीग, मतलब मैं जो भी वैल्यू दूंगा वो कहां पर इवैल्यूएट होगा, आर लीग कंट्रोलर पर. तो मैंने यहां पर एक फोल्डर बनाया कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर आर लीग है, यहां पर वैलिडेट होगा. तो ये हो गया हमारा एचटीएमएल पेज. ये एचटीएमएल पेज से हमारा डाटा कैसे आएगा, हमारा डाटा आएगा वो डाटा को रिट्राइव करने के लिए यहां पर हम ये जो सर्वलेट के अंदर डू पोस्ट मेथड के अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे. हम क्यों डू पोस्ट मेथड के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे, बिकॉज इन फॉर्म मेथड, ये जो फॉर्म मेथड है यहां पर हमने पोस्ट डिफाइन किया. तो उसके वजह से क्या होगा ना, जो भी आप इंफॉर्मेशन पास करोगे वो चला जाएगा कहां पर ना, डू पोस्ट मेथड के अंदर चला जाएगा. तो यहां पर मेरा इवैल्यूएट होगा. इससे पहले मैंने क्या डिफाइन किया ना, लिस्ट एरर मैसेज न्यू लिंक लिस्ट, मतलब अगर इस पेज में
एरर आता है तो कितना एरर आएगा इन एडवांस वी डोंट नो. इट मे बी दैट वन एरर विल कम, टू एरर विल कम और मल्टीपल एरर विल कम. तो कितना एरर आएगा हमको पता नहीं है. तो ये सारा एरर को हम लिस्ट वाइज डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर एक लिस्ट क्लास डिफाइन किए. लिस्ट उसका ऑब्जेक्ट हो गया एरर मैसेज, देन न्यू लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट इज यूज टू डायनेमिकली एलोकेट द मेमोरी. आरए में क्या होगा, तो आप बोलोगे आप आरए क्यों नहीं डिक्लेयर करते हो, लिस्ट क्यों डिफाइन करते हो. आरए में एक फिक्स लेंथ हो जाएगा, मीन्स आई विल गिव द 3 or 4 साइज, बट वेयर आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम और हाउ मेनी एरर विल कम इन माई प्रोग्राम, देन आई विल डिफाइन हियर लिस्ट एरर मैसेज न्यू लिंक लिस्ट. उसके बाद हम क्या डिफाइन करेंगे ना, रिक्वेस्ट और सेट एट्रीब्यूट. रिक्वेस्ट कहां पर आया ना, हम जब HTTP सर्वलेट यहां पर देखेंगे, सर्वलेट में क्या होता है ना, एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट दिस वन. तो इसका ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर पास किया रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट. यहां पर एरर मैसेज, ये एरर मैसेज कहां पर आया, ये जो एरर मैसेज जो है हम यहां पर ऑब्जेक्ट बनाए हैं. ये जो लिंक लिस्ट का जो एरर मैसेज है यहां पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया एरर मैसेज. और एक हो गया एक कॉन्स्टेंट, तो जो भी एरर यहां पर अराइज होगा वो आकर इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा. सेट एट्रीब्यूट हम क्यों यूज कर रहे हैं, आर लिंक सर्वलेट से डेटा लेकर हम दूसरा सर्वलेट में इंफॉर्मेशन पास करेंगे तभी हमको सेट एट्रीब्यूट यूज किया जाता है. वन सर्वलेट कैनट और डोंट वॉन्ट टू शेयर द इंफॉर्मेशन टू द अनदर सर्वलेट. एक सर्वलेट दूसरे सर्वलेट में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता है. अगर वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कोशिश करेगा तो इसके वजह उसके लिए हम यहां पर यूज करेंगे रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट. उसके बाद मैंने फॉर्म में मैं जो डाटा दिया हूं उसको मैं क्या करूंगा ना, वेरिएबल में स्टोर करूंगा तभी जाकर मैं इवैल्यूएट करूंगा. अगर मैं वेरिएबल में डाटा स्टोर नहीं करूंगा तो कौन सा वैल्यू करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है वो पता नहीं चलेगा. तो उसके वजह से मैंने यहां पर ट्राई और कैच. ट्राई कैच में क्यों डिफाइन करते हैं, अगर कोई भी एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन आ जाता है वो ट्राई कैच के अंदर हैंडल होता है. तो आई डिफाइन ए वेरिएबल स्ट्रिंग ईयर str रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर ईयर. ए ईयर का कहां से आया, ए ईयर का नाम ये जो HTML फॉर्म से आया. HTML फॉर्म में मैंने क्या डिफाइन किया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू ईयर. यहां पर जो नाम आप दोगे फॉर्म में यहां पर आपका वही नेम यहां पर देना पड़ेगा. ट्रिम मेथड क्यों यूज किया जाता है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ व्हाइट स्पेस, अगर कोई व्हाइट स्पेस होता है तो वो व्हाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम मेथड यहां पर यूज करेंगे. तो यहां पर मेरा सारा जो व्हाइट स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा, जो मेरा एक्यूरेट डेटा है वो ईयर एसटीआर में स्टोर होगा. उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर सीजन, सीजन से जो आप सीजन जो चूज करोगे वो सीजन आकर इस वेरिएबल में स्टोर होगा. और एक टाइटल में वैल्यू स्टोर होगा. INT ईयर एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, वहां पर -1 पास किया. देखो यहां पर मैंने क्या पास किया, ईयर एसटीआर. तो फॉर्म में आप जो भी डेटा दोगे सो इट इज इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट. तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें ना, आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग डेटा इनटू इंटीजर, हियर वी आर यूजिंग पार्स INT, इंटीजर डॉट पार्स INT ईयर एसटीआर. तो स्ट्रिंग का जो डेटा है वो आकर ईयर में स्टोर हो गया, ओके वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा. अगर
ओके सो नाउ चेक हियर, यहाँ पर अगर कोई भी, अगर आप इंटीजर में कन्वर्सन करते हो, अगर उसके दौरान कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर आपका क्या होगा ना, एक नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा। अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है, अगेन जो एरर मैसेज ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया एर्लियर में, तो वहाँ पर ऐड हो जाएगा एरर मैसेज डॉट ऐड, यहाँ पर एरर मैसेज ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पर फॉर्म वेरिफिकेशन होगा, इफ ईयर, जो भी ईयर आप पास कर रहे हो, अगर आपका ईयर नॉट इक्वल्स टू माइनस वन एंड ईयर नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, एंड अगर आपका जो ईयर है 2000 से नीचे देते हो और 2000 से 10 से अगर हम ज़्यादा देते हैं, सो इट इज एडेड इन द मैसेज, दिस ईयर फील्ड मस्ट बी विद इन द 2000 टू 2010। तो यहाँ पर एक मैसेज हमने पास कर दिया। इफ देन नेक्स्ट इज, अगर आपका सीजन जो होता है ईयर, अगर आप जो ईयर पास कर रहे हो, ईयर अगर माइनस वन, ईयर लेस देन 2000 और ईयर इज ग्रेटर देन 2000 होता है, तो यहां पर ईयर फील्ड में ऐड हो जाएगा एरर 2000 टू 2010। ओके सो नेक्स्ट इज व्हाट, इफ योर सीजन इज इक्वल टू अननोन, सीजन इक्वल्स टू अननोन मींस, अगर आपका सीजन में आप कुछ भी एलिमेंट चूज नहीं करते हो, देन यहां पर आपको दिखेगा प्लीज सिलेक्ट ए सीजन। सो आई विल शो यू द टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या हैंग हो गया? मूवमेंट ही नहीं कर रहा। प्लीज वेट। देखो अभी क्या है ना, ईयर अगर आपका सीजन इज इक्वल टू अननोन, अगर आप सीजन में कुछ आइटम चूज नहीं करते हो तो यहाँ पर दिखाएगा अननोन। अगर आप सीजन में कुछ वैल्यू आप चूज नहीं करते हो, अगर आप पहला आइटम चूज करते हो, तो इट इज शोइंग यू दैट द प्लीज सिलेक्ट ए लीग सीजन। अगर आप यूज करते हो टाइटल डॉट लेंथ, टाइटल डॉट लेंथ, अगर टाइटल में कुछ वैल्यू आप पास नहीं करते हो, अगेन इट इज शोइंग यू प्लीज एंटर ए टाइटल ऑफ ए लीग, मतलब एरर मैसेज में आपको शो करेगा। अगर ये सारा चीज रॉन्ग आता है, देन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इफ नॉट एरर मैसेज इज एम्प्टी, मतलब अगर जो एरर ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया ऊपर, अगर एरर ऑब्जेक्ट इज नॉट एम्प्टी, एरर ऑब्जेक्ट में अगर आपका एरर है, देन इट इज मूविंग टू द एरर पेज। अगर आपका एरर में जो लिस्ट एरर में जो ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया, अगर उसमें आपका एरर है, तो आपको मूव कर देगा एरर पेज में। एरर पेज इज व्हाट ना, इट इज ए अनदर सर्वलेट। ओके, तो एक सर्वलेट से दूसरा सर्वलेट को जाने के लिए हम यहाँ पर यूज किए
रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर वी ओ रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर एरर मैसेज। ओके, तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर हमने यहाँ पर यूज किया। रिक्वेस्ट डिस्पैचर में क्या होगा ना, ये ऑटोमेटिकली एरर पेज में चला जाएगा। तो एक पेज से दूसरे पेज को मूवमेंट करने के लिए तो यहाँ पर हमने यूज किया व्यू फॉरवर्ड रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। आप रिक्वेस्ट भेजोगे उसके बाद आपके पास रेस्पॉन्स आएगा। तो व्यू ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पर फॉरवर्ड यूज किए। सो नाउ सी दैट वेयर द व्यू इज फाउंड, ये जो व्यू ऑब्जेक्ट जो है वेयर दिस ऑब्जेक्ट इज फाउंड। I'll show you here. Completely hang is. Okay, so check that where view is found. So it is our class, servlet class. Now I move to the this part. यहाँ पर आपका do post method है, do post HTTP request, then HTTP response. ओके, तो यहाँ पर आपका एरर मैसेज स्टोर होगा, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट एरर मैसेज। तो ऑटोमेटिकली आपको एक पेज से दूसरा पेज में जाने के लिए तो वहाँ पर आपको व्यू ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाएगा। समझ में आया मधु बुझेला, सागर, अंकिता? यस सर, यस सर। मधु आज्ञा सर बुझे। ओके, एटा होची एरर पेज व्यू। आइडिया सर। ओके, सो नाउ आई विल मूव टू हाउ टू क्रिएट ए एरर पेज। सिस्टम पर हैंग है इसे। Okay, now check. So in view you have to add a error page. यहाँ पर आपको एक error page add करना है। Error page add करने के लिए यहाँ पर view में right click करना है, new servlet, तो servlet में यहाँ पर डालना है आपका नाम हो गया एरर पेज। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एरर पेज सपोज वन,
आप एरर पेज लेना, नेक्स्ट, उसके बाद एड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, यहां पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने से क्या होगा ना, आप जो भी सर्वलेट इंफॉर्मेशन ऐड करोगे, जो भी जावा का जो कॉन्सेप्ट है सर्वलेट वो ऐड करना है, तो यहाँ पर यहाँ पर आपका सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। तो एरर पेज में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, नाउ आई मूव टू द एरर पेज, सो इट इज योर एरर पेज। तो अगर आपका एरर है तो ये आपको एरर पेज में ले आएगा। एरर पेज में आपको क्या करना है ना, यहां पर देखो, आपको दो मेथड यहां पर मिलेगा, एक है डू गेट मेथड और एक होता है डू पोस्ट मेथड। डू गेट मेथड में आपको लिखना पड़ेगा जनरेट व्यू, एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यहां पर लिखना पड़ेगा जनरेट व्यू रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। अगर ये दोनों मेथड आप ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली वो मांगेगा आपको एक मेथड क्रिएट करने के लिए, तो ऑटोमेटिक ये मेथड क्रिएट हो जाएगा। जब ये मेथड क्रिएट होगा, इस मेथड के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा उसको डिलीट कर देना है, और लास्ट में आपको डिफाइन करना है थ्रो आईओ एक्सेप्शन, दैट ऑलरेडी आई हैव गिवन यू। ओके, इसमें सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव डाउट्स। द स्ट्रिंग पेज टाइटल ड्यूक सॉकर लीग, तो जो एरर पेज आएगा वो दिखाएगा क्या ड्यूक सॉकर लीग। जैसे कि देखो, ये मेरा पेज है, अगर मैं क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिक वो मुझे मूव कर देगा एरर पेज को। देखो ड्यूक सॉकर लीग एरर पेज, तो इसको मैंने यहां पर डिफाइन किया ड्यूक सॉकर लीग एरर पेज। जो भी एरर है, ओके, हम यहां पर गेट एट्रीब्यूट यूज किए, तो पहले देखो क्या है ना, ये जो आर लीग सर्वलेट में जब मेरा एरर आया तो ये एरर को मैंने कहां पर डिफाइन किया, जो एरर आ रहा है एरर को मैंने स्टोर किया किसमें ना, लिस्ट डॉट एरर मैसेज, यहां पर मैंने स्टोर किया लिस्ट एरर मैसेज। इस ऑब्जेक्ट में मेरा सारा एरर स्टोर है। इस ऑब्जेक्ट से डाटा को रिट्राइव करने के लिए आपका एक कोडिंग यूज किया जाएगा, देखो लिस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, वहां पर सेट एट्रीब्यूट है, वो सारा इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए गेट एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट में मेरा वैल्यू स्टोर था ना, एरर मैसेज ऑब्जेक्ट में स्टोर था, वो सारा इंफॉर्मेशन मेरा एरर ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एरर ऑब्जेक्ट, मेरा एरर मैसेज ऑब्जेक्ट में आकर उसको मैंने कास्टिंग किया, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट कास्टिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट कास्टिंग करके मैं लिस्ट एरर मैसेज ऑब्जेक्ट यहां पर स्टोर कर दिया, तो एरर मेरा आ गया। अभी वो सारा एरर को मुझे कहां पर डिस्प्ले करना है, एक HTML में डिस्प्ले करना है, तो HTML में वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, जैसे कि कोर जावा में हम system.out.println यूज करते थे आउटपुट के लिए, यहां पर हम यूज करेंगे क्या ना, प्रिंट राइटर आउट response.get राइटर। रेस्पॉन्स क्यों यूज किया जाएगा, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो सर्वर इसको इवेलुएट करके आपको रेस्पॉन्स भेजेगा, तो इसके लिए हम रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में गेट राइटर यूज किए। उसके बाद HTML हेड टाइटल हो गया पेज टाइटल, ओके, देन यहां पर पेज टाइटल, जो यहां पर पेज टाइटल क्या है, जो एरर पेज हमने पास किया ड्यूक सॉकर लीग एरर पेज, ये जो पेज टाइटल हमने कहां पर पास किया था, मैंने पास किया था, ये देखो ये पेज टाइटल ड्यूक सॉकर लीग एरर पेज, तो यहां पर मैंने यहां पर मेरा डिस्प्ले किया, ओके, पेज टाइटल। उसके बाद एक ये जो आपको डिफाइन कर रहा है, एक टेबल है, टेबल का बैकग्राउंड मैंने यहां पर रेड दे दिया, अलाइनमेंट सेंटर हो गया, हाइट हो गया 20, फिर पेज टाइटल आपको यहां पर शो किया, फिर आपको फॉन्ट कलर रेड, प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, मतलब ये चीज कहां पर दिखा रहा है, यहां पर देखो प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, ओके, तो यहां पर डिफाइन किया। आइटरेटर आइटम्स, तो मैंने यहां पर एक आइटरेटर क्लास यूज किया, आइटरेटर आइटम्स एरर मैसेज डॉट आइटरेटर, एरर मैसेज डॉट आइटरेटर। आइटरेटर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट से सारा वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए
हम कलेक्शन क्लासेस में पढ़ रहे थे, अगर एक ऑब्जेक्ट में सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है, ऑब्जेक्ट से सारा इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए यहाँ पर मैंने आइटरेटर क्लास यूज किया, इटरेटर आइटम्स ऑब्जेक्ट डॉट आइटरेटर मेथड, इस मेथड के मदद से सारा वैल्यू आकर आइटम्स में स्टोर हो गया। देन व्हाइल आइटम्स डॉट हैज नेक्स्ट, व्हाइल आइटम्स डॉट हैज नेक्स्ट मतलब जब तक इस ऑब्जेक्ट में आपका वैल्यू है तब तक आपका मैसेज ये लिस्ट वाइज आपका सारा मैसेज शो करेगा। ओके मतलब ये जो एरर मैसेज है ये लिस्ट वाइज आपको शो करेगा। क्लियर? यस सर। अगेन सर। तो सिमिलर वे इफ यू गिव द करेक्ट आउटपुट, अगर आप करेक्ट आउटपुट दोगे तो क्या होगा, तो हम यहां पर और एक सर्वलेट ऐड करेंगे, इफ यू आर गिविंग करेक्ट आउटपुट देन इट इज मूविंग टू द सक्सेस पेज। तो यहां पर सक्सेस पेज एक सर्वलेट मैं यहां पर ऐड करूंगा, तो यहां पर एस यू सी सी ई एस एस, यहां पर सक्सेस पेज में ऐड किया। नेक्स्ट ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, ओके राइट क्लिक न्यू सर्वलेट, सक्सेस मैंने डाल दिया, ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर देन फिनिश। तो यहां पर मेरा सक्सेस पेज यहां पर ऐड हो जाएगा। देखिए ये सक्सेस पेज हो गया, लेकिन सक्सेस पेज से पहले आपको कोडिंग लिखने के लिए, आज हम मॉडल व्यू कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, तो हम कंट्रोलर व्यू बना दिए, सक्सेस पेज जाने से पहले आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। तो राइट क्लिक न्यू जावा पैकेज, तो आपको सोर्स पैकेज में क्या करना है, सोर्स पैकेज के ऊपर राइट क्लिक न्यू जावा पैकेज, यहां पर हम डिफाइन करेंगे मॉडल फिनिश। ओके यहां पर मॉडल फिनिश हमने डिफाइन कर दिया, इस मॉडल के अंदर पर हम एक जावा क्लास ऐड करेंगे, राइट क्लिक न्यू, यहां पर सर्वलेट ऐड नहीं होगा, यहां पर जावा क्लास ऐड होगा, रिमेंबर दैट यहां पर हम जावा क्लास यूज करेंगे। तो जावा क्लास, इस जावा क्लास में हमने डिफाइन करें, यहां पर डिफाइन करेंगे लीग क्लास, क्लास का नाम हो जाएगा लीग। ओके मैं क्या किया ना, व्यू में एक सर्वलेट ऐड कर दिया सक्सेस, और एक फोल्डर बनाया सोर्स पैकेज में, राइट क्लिक करके न्यू जावा पैकेज, जावा पैकेज में पैकेज का नाम दे दिया व्यू, व्यू के अंदर में उसका नाम जो जावा पैकेज उसका नाम दे दिया मॉडल, मॉडल के ऊपर मैंने राइट क्लिक करके न्यू देन आई चूज हियर जावा क्लास, तो मैं जावा क्लास यहां पर ऐड किया, जावा क्लास जब ऐड किया उसका नाम दे दिया लीग डॉट जावा। ओके उसके बाद यहां पर क्या कोडिंग ऐड होगा, लीग क्लासेस में क्या कोडिंग ऐड होगा और आपका सक्सेस में क्या कोड ऐड होगा वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ऑन सैटरडे। ओके सो टिल दैट यू डू ऑल द प्रैक्टिकल्स, ये सारा प्रैक्टिकल कल तक कंप्लीट करके मुझे देना है। क्लियर? मधु सागर तुषार सर मतलब मु पठे देबी, ये ओमकार कर के दबो। हां सर मु करी भी तो ठीक है, चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो सर। हां तो सर के बैठो क्लास आरंभ हो इजला सर, 3टा क्लास भाई जी, तुम्हें काली अटेंड करो, काली चलो ठीक है सर। आउ सर उठे सर क्लास है बुझी थान तो
हाँ मुझे पठाई देवी प्रोग्राम कथा क्लास सर कथ।